हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफ़ी बच्चों में देखा जाता है, इनकॉपरेसिस यानी फंक्शनल फीकल इनकंटिनेंस। इस वीडियो में हम जानेंगे ये क्या होता है, इसके सिम्टम्स, काउजेज एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस। इनकॉपरेसिस का मतलब है स्टूल का गलत जगह पर पास होना, जो वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री हो सकता है। ये कंडीशन यूजुअली 4 साल या उसके बाद बच्चों में देखा जाता है और इसे फंक्शनल फीकल इनकंटिनेंस भी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों ने टॉयलेट स्किल एक्वायर करने के बाद भी स्टूल पास करते हैं बिना किसी न्यूरोलॉजिकल या मस्कुलर डिसफंक्शन के। इनकॉपरेसिस के दो प्रमुख टाइप होते हैं, रिटेंटिव और नॉन रिटेंटिव। चलिए दोनों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रिटेंटिव इनकॉपरेसिस, अगर इनकॉपरेसिस फंक्शनल कंस्टिपेशन के साथ एसोसिएटेड होती है तो उसे रिटेंटिव कहते हैं। इन बच्चों में स्टूल पास करने में दिक्कतें होती है, स्टूल हार्ड एवं पेनफुल हो सकता है या लार्ज फीकल मास रेक्टम में प्रेजेंट हो सकता है। नॉन रिटेंटिव इनकॉपरेसिस दूसरी तरफ, अगर फीकल इनकंटिनेंस कंस्टिपेशन के बिना होती है तो उसे नॉन रिटेंटिव कहते हैं। इसमें बच्चों को इन अप्रोप्रिएट जगह पर स्टूल पास करने में 1 महीने या उससे ज़्यादा का हिस्ट्री होता है, लेकिन फीकल रिटेंशन का कोई एविडेंस नहीं होता है। इनकॉपरेसिस वाले बच्चों कुछ खास लक्षण दिखाते हैं, जैसे कि पहला हार्ड स्टूल का गलत जगह पर पास होना, दूसरा कपड़ों का स्वाइल होना, एब्डोमिनल पेन यानी पेट दर्द, इसके साथ कई बार सोशल एंग्जाइटी और स्टिग्मा होता है। इनफैक्ट 25-35% केसेस में यूरिनरी इनकंटिनेंस भी होता है। डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले तो ऑर्गेनिक काउज को रूल आउट करना होता है। इसके लिए डॉक्टर डिटेल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। एब्डोमिनल एक्सरे जरूरी नहीं होता, लेकिन स्पाइनल डिस्ट्राफिज्म या न्यूरोलॉजिकल काउज सस्पेक्ट हो तो स्पाइन का एक्सरे जरूरी होता है। एनोरेक्टल मैनोमेट्री टेस्ट कुछ बच्चों में हेल्पफुल होता है जो ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स नहीं देते। साथ में कुछ दूसरे टेस्ट जैसे कि ब्लड टेस्ट, हाइपोथायराइडिज्म, सीलिएक डिजीज या काउ मिल्क इंटॉलरेंस को रूल आउट करने के लिए भी करवाए जाते हैं। इनकॉपरेसिस का ट्रीटमेंट काफ़ी स्ट्रक्चर होता है। इसमें 3 मेन स्टेप होते हैं। फर्स्ट वन, बावल रिट्रेनिंग। पहला स्टेप डिसइंफेक्शन यानी लार्ज स्टूल का रिमूवल। उसके बाद बच्चों को रेगुलरली स्टूल पास करना सिखाया जाता है। लॉन्ग टर्म बिहेवियर थेरेपी और डाइट मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बिहेवियरल थेरेपी। बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दी जाती है, इससे उनकी एंग्जाइटी कम होती है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। डाइटरी मैनेजमेंट, डाइट में हाई फाइबर फूड जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन शामिल करना चाहिए। एक्सेसिव मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करना बेस्ट होता है और फ्लूड इंटेक बढ़ाना जरूरी है। ड्रग थेरेपी, अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल पैक रिकमेंड करते हैं, जो सेफ और इफेक्टिव होता है और हैबिट फॉर्मिंग भी नहीं होता है। इनकॉपरेसिस एक सीरियस कंडीशन है जो बच्चों को फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से अफेक्ट कर सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे सही ट्रीटमेंट से मैनेज किया जा सकता है। अगर आपके बच्चों में ये सिम्टम है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।